तो हेलो मेरा लोग वेलकम बैक टू मेरा चैनल आर वी एस गैन में चंदी और मेरे भाई आज के दिन ना मैंने एनिमे लवर का चैनल को एक दिन के लिए ख़रीद लिया है मेरे भाई थंबनेल और टाइटल को देख के पता चल ही गया होगा कि अपन आज बात करने वाले हैं कि क्या सांझी के पास कौकर है कि नहीं मैं पहले ही बता दूं कि ये वीडियो में मांगा के स्पॉयलर्स होंगे और मेरे भाई मैं इस वीडियो में तीन चीज़ों को यूज़ करने वाला है और वो तीन चीज़ें फैक्ट्स एंड अपना ओपिनियन और अगर ये तीनों का मतलब तुमको नहीं पता तो गूगल कर लेना मैं तुमको नहीं बताने वाला क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता है तीनों का मतलब मेरी बेकार इंग्लिश की वजह से ये क्या लिख दिया अभी स्क्रिप्ट में वैसे मेरे भाई क्योंकि ये चैनल एनिमल लवर का है इसलिए इसका पेट पालने के लिए मुझे बिली बिली कॉमिक्स का स्पॉन्सरशिप करना पड़ेगा तो मेरे भाई बिली बिली कॉमिक्स एक फ्री वेबसाइट है कॉमिक्स का जहां पे बहुत सारे कॉमिक्स तुम फ्री में बिना ऐड देखे रीड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा चेक कर लेना तो मेरा भाई आर वी सर मेरा इंटरव्यू तो लगा दो एटलीस्ट लेट ही तो बोल ले अपना लेट्स गो और फिर भी लगा दे सब बिचिस वेल मैं जल्दी से बोलता हूँ ठीक है थीगा? वरना मेरा एक दिन के सैलरी से कट जाएगा इसका पैसा तो अंडी वंडी संडी अंडी जो मेरे को लूबर बोलता है उसकी माँ मम्मी ये लो इंट्रो लेट्स बी गें भाई क्या मुझे लगता है कि साझी को कॉन्करर साकी मिलेगा तो मेरा जवाब है हाँ मेरे हिसाब से उसको कॉन्करर साकी मिलेगा मेरा मतलब कि साझी के पास ऑलरेडी कॉन्करर साकी है बट वो अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है और वो फ्यूचर में अनलॉक होगा मैं तुमको ये नहीं बोलने वाला कि साझी के पास कॉन्करर साकी इसलिए होगा क्योंकि जोरो के पास भी है ना ही मैं तुमको वन पीस वॉल्यूम हंड्रेड के कवर पेज को दिखा के बोलने वाला है कि यहाँ पे ओडा ने फोर शाइडिंग किया है कि साझी पे कॉन्करर साकी है मेरा मतलब सांझी के पास भी कौकर सा है मेरे भाई जब से ओडा ने एज के डेथ और मोमोनस्क के एडल्ट फॉर्म को फोर किया है ना तब से हर चीज़ उनका फोर ही लगता है जैसे कि अभी ओडा ने 2022 के आने की खुशी में एक फोटो ड्रॉ किया था जिसमें लूफी एक टाइगर के साथ था जो कि फोर हो सकता है कि 2022 में शायद लूफी को टाइगर मैन जैसा कुछ मिलेगा लेकिन ये फोर नहीं भी हो सकता है चलो अपन अब बात करते हैं कि मेरे हिसाब से क्यों सांजी जी के पास कुरकुरे हाकी है पहले बात करते हैं मेरे भाई की कॉन्र्स हाकी को यूज़ करने वालों के बारे में हम लोग क्या जानते हैं तो मेरा भाई जो भी कॉन्क्रस हाकी यूज़ करता है उसमें किंग की, की क्वालिटीज़ होती है उसका ड्रीम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और जितने भी कॉन्क्रस हाकी यूज़र आज तक हम लोगों ने देखा है सब के सब बहुत स्ट्रोंग है और सब में लीडर बनने की क्वालिटी है ये कुछ चीज़ों के अलावा एक और चीज़ अपने को पता है वो है कि कांग्रेस हाकि लाखों में एक बंदा या फिर बंदी के पास ही होता है चलो अब हम लोग ये सब चीज को सांझी के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले बात करते हैं सांझी के ड्रीम की जो भी लोग बोलते हैं ना कि सांझी के पास कॉन्स नहीं है वो लोग चीज को पॉइंट आउट करते हैं कि सांजी के पास इतना बड़ा ड्रीम नहीं है जैसे मेरे भाई लूफी और जोरो का बहुत बड़ा ड्रीम है सांझी का उस जितना बड़ा ड्रीम नहीं है और सांझी को अपने ऑल ब्लू वाले ड्रीम को पूरा करने के लिए कॉन्कर हाथी की जरूरत नहीं है लेकिन यह गलत है कि सांझी का ड्रीम इतना बड़ा नहीं है या फिर उसका उसके ड्रीम पूरा करने के लिए उसको कॉन्स हाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी के टाइम पे साझी के लिए उसका ऑल ब्लू से ज़्यादा बड़ा ड्रीम है लूफी को पायरेट किंग बनाना और लूफी के लिए वो अपने ड्रीम को क्या अपने जान को भी देने के लिए तैयार है जोरो और बाकी स्ट्रो स्ट्रोहैड्स जैसे प्लस चैप्टर 1031 में साझी ये तक सोच रहा था कि उसको लूफी के लिए स्ट्रॉन्ग होना है और मेरे भाई मुझे लगता है कि साझी बिना कॉन्क्रेस हाकी के कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुँच सकता जितना उसको जरूरत होगा लूफी को पायरेट किंग बनाने का क्योंकि कांग्रेस हाकी से हम सबको पता है कि हद ज़्यादा स्ट्रांग हुआ जा सकता है जोरो ने सिर्फ कांग्रेस हाकी के इन्फ्यूजन से ही किंग को एकदम जल्दी हरा दिया है और लूफी कांग्रेस हाकी की वजह से ही काइडो से लड़ पा रहा है तो मेरे भाई सांजी के पास कांग्रेस हाकी गलत नहीं होगा प्लस ऑल ब्लू खुद में एक छोटा ड्रीम नहीं है अब हमको नहीं पता कि ऑल ब्रू क्या है लेकिन मेरे भाई ऑल ब्लू को खोजने के लिए या फिर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए सांझी भी लूफी और ज़ोरो की तरह ही और स्ट्रॉन्ग होना चाहता है अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए और उसके लिए उसके पास कॉन्करर साकी होना ज़रूरी है अब बात करते हैं मेरे भाई की क्या साझी में एक किंग की क्वालिटीज है जो कि सब कॉन्करर साकी यूज़ करने वालों में होती है जवाब है हाँ अगर तुमको याद होगा तो हॉल के आइलैंड में सांजी के लीडरशिप के अंदर ही सबने काम किया था और बिग मॉम को वेडिंग केक बना के खिलाया था प्लस हमने बहुत बार देखा है सांजी और क्रू लीड करते हुए जैसे कि जो आइलैंड में जब लूफी और जोरो नहीं थे दोनों वहाँ तब सांझी ने ही मेजर डिसीजंस लिया था और मेरे भाई साझी जो है उसको एक जर्मा प्रिंस बोला जाता है और ये एक फोर शेडविंग हो सकता है क्योंकि प्रिंस ही आगे जा के किंग बनते हैं और सांझी बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट जर्मा प्रिंस है और मेरे भाई अगर तुम ये बोलने वाले हो कि सांझी में किंग कबिल कैसे हो सकता है वो तो लूफी की हर चीज़ सुनता है ना तो मेरे भाई साझी लूफी की हर चीज़ सुनता है क्योंकि वो लूफी के लिए लॉयल है ऐसे बहुत सारे कौकरर्स हाकी कैरेक्टर है जैसे कि चिंजाओ काटाकुरी टोफलामिंगो जोरो रेली जो कि किसी ना किसी के अंडर काम करते हैं या फिर थे लेकिन ये लोग खुद में एक किंग है और वैसे ही सांझी भी खुद में एक किंग है सांझी क्लियरली किंग के बिल को कैरी करता है और वो चीज़ को वो बार बार प्रूफ करता भी है अब बात करते हैं मेरे भाई की क्या सांझी को कोंकरर्स हाकी की जरूरत भी है जिस पे मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ सांजियो और कॉन्क्राश की ज़रूरत है क्योंकि अभी वैसे तो स्ट्रोहैड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बट वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट या फिर मरीन से भिड़ सके ग्रैंड क्रू है उनके साथ लेकिन मेरे भाई इतने सारे टॉप टीयर्स के सामने ग्रैंड क्रू और पूरे स्ट्रोहेड्स का भी वाइट ब्रेड पायरेट्स के जैसा ही हाल होगा प्लस कॉन्र्स हाकी के साथ लूफी और अच्छा खासा लड़ लेंगे लेकिन वहीं पे सानजी बिना कॉन्क्रस हाकी के पीछे छोड़ जाएगा तो उसके पास कॉन्क्रेस हाकी होना जरूरी है अब यहाँ पे तुम लोगों में से कुछ लोगों के शायद से दिमाग में आया होगा कि यामटो अभी स्ट्रोहैड शायद से ज्वाइन करेगी और उसके पास भी कॉन्क्रस हाकी है तो अगर सानझी के पास भी कॉन्क्रस हाकी होगा तो फिर स्ट्रोहैड्स में चार कुरकुरे हाकी यूज करने वाले हो जाएंगे और फिर स्ट्रोहैड्स ओवर पावर हो जाएगा देखो तुम एकदम सही हो स्ट्रोहेड्स ओवर पावर्ड हो जाएगी लेकिन मेरे भाई स्ट्रोहैड्स का ओवर पावर्ड होना भी ज़रूरत है और मेरे भाई स्ट्रोहेड्स पहला क्रू नहीं होगा जिसमें चार कॉन्क्रेसा की यूज करने वाले होंगे रॉक्स जिसमें बिग मॉम शार्लेट लिनलिन वाइट बियर्ड काइडो थे सीकी था जिसके पास मेरे हिसाब से कॉन्सा की है प्लस उनका कैप्टन रॉक्स जिसमें हंड्रेड परसेंट कांग्रेसा की होगा ही तो एक पायरेट क्रू में चार लोगों के पास कांग्रेस की होना कोई नई बात नहीं है और मेरे भाई जैसा मैंने बोला था मैं इस वीडियो में पोर्ट्रियल का भी यूज करने वाला हूँ फैक्ट्स और ओपिनियन के साथ तो तुमको तो पता ही है कि सांझी जो है वो फ्यूचर पायरेट किंग का लेफ्ट विंग होएगा जोर और लूफी का राइट विंग होगा और सांजी लूफी का लेफ्ट विंग और जैसे एक बर्ड के दोनों विंग्स को इक्वल होना ज़रूरी है ताकि वो बर्ड अच्छे से उड़ सके वैसे ही सांजी को भी जोरो के इक्वल नहीं तो क्लोज पहुंचना पड़ेगा और कॉन्क्रस हाकी इन्फ्यूजन करने वाले जोरो से सांजी क्लोज सिर्फ कोंक्रस हाकी से ही पहुंच सकता है प्लस सांजी सारे विन् स्मोक्स से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो अपने जर्मा पावर्स को गेन करने से पहले ही उनसे स्ट्रॉन्ग हो गया था तो वो एक रॉयल ब्लड है अभी उसके जर्मा पावर्स वापस आ चुके हैं जिसका मतलब ये है कि सांजी कभी भी करप्ट नहीं हुआ था उसके माँ की वजह से सांजी का जर्मा पावर्स बस डिले हो गया था और तुम खुद सोचो ना जब चिंजा बुड्ढे और डोफ्लमिंग जैसे लोग के पास कॉन्क्राकि हो सकता है तो सांजी जो कि सेकेंड कमांडर है स्ट्रोहैड पायरेट्स का उसके पास कॉन्कर सा होना ही चाहिए इसी के साथ मेरे भाई ये वीडियो होता है खत्म लवर लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन करने नहीं बोलता है आजकल तो मैं भी नहीं करने बोलूंगा ओए लवर आ जाए वीडियो खत्म करने के लिए कुछ लाइंस बोल ले अपना थैंक यू आरवी सर आपने मुझे ऑनर दिया मेरे चैनल पे मुझे थोड़ा सा बोलने के लिए दैट जेट मुन्ना अगर ये कोलैब हाँ मुझे पता है कि मेरा चैनल जब्त हो गया एक दिन करके मतलब खरीद लिया गया है लेकिन कोलैब बोलने के कूल दिखने दो मुझे ठीक है अगर एक कोई लाइक तुमको पसंद आया तो अच्छी बात है कमेंट्स में यू कैन टेल योर ओपिनियन डिस्क्रॉड इंस्टाग्राम बेरीवी कॉमिक्स सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देख लेना एंड बस अब नेक्स्ट सुनने मिलेगी क्या नोटंगी अब है ये क्या मजाक चल रहा है